character, story. This backdrop is not going to work. It has to be a real story. Character is strong, but I need a real story. Yeah, a real story. Character, story, character. कहानी तुम्हारे सामने है मनन। कौन है? वही जिसकी तुम्हें तलाश है। मैं समझा नहीं। और तुम अंदर कैसे? मेरा नाम कैसे? काफी वक्त से तुम्हारे साथ ही हूँ, मगर इंतजार इस बात का था कि तुम कब। एक मिनट, ये चल क्या रहा है? तुम खुद मेरी तलाश में आए थे वहाँ। लो, डरो मत। अब मेरी उलझी हुई पहेली सिर्फ तुम ही सुलझा सकते हो। तुम ही वो मानसी हो जो मेरे पे कहानी लिखकर मेरा सच सबके सामने ला सकते हो। मैं ही क्यों? खुद से पूछो। लॉरेंजो। राइटर बाबू, तुम आखिरकार तुम्हारी बॉडी को कोई क्लेम करने क्यों नहीं आया और कोई पहचान कैसे नहीं मिली? मैं तो यहाँ का हूँ ही नहीं। तो फिर? मेरा पैदाइश नेपाल में हुआ था। तुम्हारी मौत? वो कैसे? नेपाल में मैं सेठ हुकुमचंद के यहाँ काम किया करता था। बहुत ही सुंदर घर था उनका, और सेठ और सेठानी दोनों ही काफ़ी अच्छे थे। मुझे उनके वहाँ उनके बच्चों का देखभाल का काम दिया था, लेकिन एक दिन पता चला कि उनका बच्चा गायब हो गया और सब हम पे शक करने लग गए। सब? कैसा सब? कि हम उनके बच्चे के साथ कुछ किए। फिर मेरे बहुत बोलने के बाद भी वो लोग नहीं माना और जाके वो लोग पुलिस को बुलाए, पर तब तक मैं वहाँ से भागकर कहीं छुप गया और थोड़े दिन बाद अपने मरने का झूठा कहानी बनाया। झूठी कहानी? हाँ, और फिर वहाँ से मैं दिल्ली चला गया। मुंबई में आकर मेरी हालत काफ़ी सुधर गई। मैं अच्छा कमाने लग गया। कौन सी नौकरी मिली? मुंबई में एक सेठ बाबू के यहाँ नौकरी मिल गई थी। कभी गांव जाने का दिल नहीं किया? और वो सेठ की बच्ची, उसका क्या हुआ? कैसे लापता हुई थी? सेठ की बच्ची के बारे में तो कुछ नहीं पता चला। मैं तो वहाँ अपनी पहचान ही मार चुका था। नेपाल से यहाँ आने से पहले मैंने एक मुर्दा लिया, उसको अपने कपड़े पहना दिया, फिर वो मुर्दा को मैंने आग लगा दिया और सबको लगा कि मैं मर गया। लेकिन मुंबई से काम से घर आते टाइम एक दिन मैंने उसे वहाँ देखा। किसे? कहानी तुम्हारे सामने है मनन, तुम्हारे सामने है मनन। मेरा पैदाइश नेपाल में हुआ। मैं सेठ कुमचंद क्या काम किया करता था, वहाँ से मैं दिल्ली चला गया। एक दिन पता चला कि उनका बच्चा गायब हो गया।